तीसरी सूरत, फर्जंद आदम जिसने कनाअत अख्तियार की वो सबसे बेनियाज हो गया, और जो थोड़ी सी दुनिया पर राजी हो गया उसने खुदा पर भरोसा कर लिया। फर्जंद आदम जिसने हसद को छोड़ दिया वो मुतमइन हो गया, और जिसने हराम से परहेज कर लिया उसने अपने दीन को खालिस बना लिया। जिसने गीबत करना छोड़ दी उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में जाहिर हो गई, और जो लोगों से अलग हो गया उसने अपने को लोगों से महफूज बना लिया। जिसका कलाम मुख्तसर हो गया उसकी अक्ल कामिल हो गई, और जो थोड़े से रिस्क पर राजी हो जाएगा खुदा उसके मुख्तसर अमल से भी राजी हो जाएगा। फर्जंद आदम तू जिस कदर जानता है उस पर भी अमल नहीं करता, तो अब इल्म के लिए क्यों परेशान है। फर्जंद आदम तूने सारी जिंदगी तो दुनिया तलब करने में गुजार दी, अब आखरत तलब करने का काम कब अंजाम देगा।